और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिब्रूगढ़ में देश के सबसे बड़े रोड रेल पुल का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने बोगीबिल पुल से गुजरने वाली पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। ये ट्रेन तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस होगी, जो कि सप्ताह में 5 दिन चलेगी। कुल 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल की मदद से असम के तिनसुकिया और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन कस्बे तक की रेल यात्रा में लगने वाले समय में 10 घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। इस पुल को बनने में 16 साल लगे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हुए सबसे बड़े सर्वे में इस बार भी सत्ता का रास्ता यूपी से होकर निकलता दिख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एसपी और बीएसपी का महागठबंधन नहीं हुआ तो एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। वहीं यूपी में महागठबंधन की चुनौती नहीं होते हुए एनडीए 291 सीट जीतने में कामयाब होगी। वहीं यूपी में महागठबंधन न बनने पर यूपीए 171 के आंकड़े पर सिमट जाएगी, जबकि अन्य के खाते में 81 सीट जाएंगी। अगर यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ तो एनडीए को 245 सीट ही मिलने का अनुमान है। एनडीए के लिए महागठबंधन की चुनौती काफी मजबूत नजर आ रही है, खासकर यूपी में अगर मायावती और अखिलेश यादव साथ आते हैं तो एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ता दिख रहा है। पिछली बार यूपी में 71 सीट जीतने वाली एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। सर्वे के मुताबिक यूपी में एसपी बीएसपी के साथ लड़ने पर 80 सीटों में से सिर्फ 28 सीट ही एनडीए जीत पाएगी। वहीं महागठबंधन 50 सीट जीतने में कामयाब रहेगा, जबकि कांग्रेस पिछली बार की तरह 2 सीट पर ही सिमट जाएगी। ऐसे में 2019 के रण में अखिलेश यादव और मायावती किंग मेकर की भूमिका में है और यूपी का गठबंधन ही 2019 की दिशा में तय करता दिखाई दे रहा है। सागर से बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी तो कांग्रेस यही निर्णय नहीं ले पा रही है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। यादव का कहना है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये तो चंद लोगों का समूह है जो सत्ता के लाभ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए अटल जी, कोई तमाम सारे जो वाद विवाद होते हैं या मतभेद होते हैं उनसे परे व्यक्ति थे। उन्होंने देश हित में पूरा जीवन खपा दिया, और अगर कांग्रेस पार्टी भी उसे शासन दिवस के रूप में मना रही है, उन्हें स्वशासन की परिभाषा दी, अच्छा राज चला करके देश को विकास के रास्ते पर जाने का काम किया, तो अगर कांग्रेस पार्टी भी मना रही है तो इसमें कोई बड़ा भारी काम नहीं कर रही है। ये एक्सपेक्टेड काम है। हम लोग ने नहीं, महात्मा गांधी पहले से भी करते आए हैं। गांधी जी को जबकि पहले शुरू में तो गांधी जी ने अपना ये कांग्रेस ही अपना ब्रांड नेम मानते थे, पर हम लोगों ने उसको किया। तो इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है, करना चाहिए उन्हें, हम उसके लिए उनका धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ, तो अभी मैंने सुना है कि अभी भी पक्का नहीं हो पा रहा है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है राजनीतिक दल, ये चंद सब व्यक्तियों का समूह है जो सत्ता के हित में इकट्ठे हो जाते हैं। अब हो गए हैं, सत्ता आई है तो अब अपना अपना हिस्सा खींच रहे हैं, कोई इस तरफ से खींच रहा है कोई इस तरफ से खींच रहा, और यही सब हो रहा है। इसीलिए ये सब परिणाम, ये सब दिक्कत हो रही है। भाजपा में ऐसी स्थिति नहीं थी, नहीं भाजपा में तो आप जानते हैं कि एक बार की मंत्रिमंडल बन गया और 5 साल बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहा, विकास के काम होते रहे। अभी तो इनके काम में इनको बहुत दिक्कत आएगी, हमें महसूस हो रहा है, और जनता बहुत जल्दी महसूस करेगी कि उसने जो उसका जो फैसला है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई थी। सर, आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस को बधाई देने का दौर शुरू हो गया है? इसी क्रम में इंदौर के किन्नर समाज भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा से मुलाकात की और कमलनाथ को बधाई देते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मांग है कि हमारे पेशे को भीख जैसे शब्द से न जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा काम लोगों में खुशियां बांटना है, भीख मांगना नहीं। सोनम किन्नर समाज की प्रवक्ता, अखिल भारतीय किन्नर समाज, हमारे मध्य प्रदेश हमारी प्रदेश अध्यक्षा पायल किन्नर जी इंदौर की नेतृत्व में हम लोग आज मैडम शोभा जी से मिलने आए, शुभकामना देने आए। आपके चैनल के माध्यम से नव निर्वाचित सम्माननीय माननीय
ऊर्जामान तेजस्वी श्री कमलनाथ जी को मैं हम लोग किन्नर समाज की तरफ से मुख्यमंत्री बनने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके सभी मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को शुभकामनाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, हम लोग इसलिए आए, अभी लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल जो पास हुआ है उसमें कुछ बिंदु गलत उसमें दर्शाया गया, तो हम लोग शोभा ओझा जी के माध्यम से, क्योंकि प्रदेश की नेता हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे और मिलके जो हमारे ट्रांसजेंडर के बिल में जो कुछ पॉलिटिशियन जो ट्रांसजेंडरों किन्नरों को जो नहीं देखना चाहते, भारत जो हमारी संस्कृति परम्परा चलती आ रही उसको बरकरार रखा जाए, जो हमारा काम है शुभ आशीष देने का, मंगल कामना करने का, वो भारत में स्थापित रहे, इसी मांग को लेकर हम लोग माननीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जाएंगे और उनके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अब दो लाइन हमारी पायल किन्नर जी बोलेंगी। हम लोगों की ये मांग है कि हमारे जो किन्नर समाज शादी बच्चा होता है तो शगुन लेने जाते हैं, वो शगुन को भीख के श्रेणी में इन लोगों ने डाल दिया है, तो उसका विरोध हम करते हैं और उसको सुधार के लिए हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे शोभा जी के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से, और हम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मीडिया ने हम लोगों को सुना। मीडिया सब दमोह में भी क्रिसमस पर्व पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में मसीही समाज के लोगों ने चर्च में विशेष प्रार्थना की, साथ ही प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बनाते हैं पर आज जब हम यहाँ सब हैं, उन सब बातों को हम आज समाप्त करते हुए और एकता के साथ, प्रेम के साथ, मानवता की सेवा में हम सब एक साथ बढ़ेंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की राजनैतिक या सामाजिक या किसी भी संस्थागत एक जो बैनर होता है उसके रूप में ना देखते हुए, एक इंसान के रूप में, एक ऐसे हर एक जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, परमेश्वर जिसकी हम सब सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, जो हमें क्षमा करता है, आगे बढ़ाता है, एक इंसान को इंसान के रूप में जानेंगे, साथ में मिलकर के बढ़ेंगे और अपने समाज का, अपने नगर का, अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे और जितनी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है उनमें हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे और अपने प्रेम से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। अजय भैया, दिन है और सारे मसीह समाज की ओर से और सारी मसीह संस्थाओं की ओर से मैं नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहां के समाज का, क्रिश्चियन समाज का अध्यक्ष होने के नाते आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद वर्ष भर आपके सहयोग के लिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसकी क्षमा हमारी जिंदगियों में बनी रहे, क्योंकि ये क्षमा की भावना और प्रेम की भावना है जो हमारे संबंधों को मजबूत करती है और यही हमें एक इंसान के रूप में इंसान से जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है और इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। तो आप सबों को बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई, आप सबों ने आज की आराधना में यहाँ भाग लिया और हम सबों को प्रोत्साहित किया, मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नगर निगम भोपाल द्वारा लाल घाटी स्थित मनुआ भान की टेकरी पर बनने जा रहे विशाल भारत माता मंदिर की स्थापना का भूमि पूजन महापौर आलोक शर्मा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में निगम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस भारत माता के बारे में महापौर आलोक शर्मा ने बताया कि ये मंदिर करोड़ों की लागत से बनेगा और यहाँ वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। आज नगर निगम भोपाल ने लाल घाटी के मनुआ भान टेकरे के ऊपर 12 एकड़ 51 डेसिमल भूमि पर भारत माता परिसर के लिए भूमि पूजन किया है और ये हिंदुस्तान का भारत माता का सबसे बड़ा परिसर होगा। यहाँ पे भारत माता की शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी लगाई जाएगी, 100 फीट का ऊंचा झंडा भी लगाया जाएगा, यहाँ पे एक मुक्ताकाश मंच भी बनाया जाएगा जिसमें लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को
और अन्य राष्ट्रीय त्योहारों के ऊपर यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे। यहाँ पे फोर व्हीलर वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी, दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। इसमें उन महान शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टाटा टोपे, टाटा भीम जैसे कई और ऐसे महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ऐसा भव्य भारत माता का परिसर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। आज नगर निगम के हमारे अध्यक्ष, हमारे नगर निगम के सभी महापौर परिषद की उपस्थिति में यहाँ पे मनोमान टेकरे पे यहाँ भूमि पूजन किया गया है। ये जमीन हमारे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कैबिनेट के माध्यम से नगर निगम को आवंटित भारत माता परिसर के लिए की है। आने वाले समय में ये लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। 5 करोड़ रुपए की राशि अभी हमने प्रथम चरण में स्वीकृत की है। आगामी राशि हम अगले वित्तीय वर्ष के अंदर इसको स्वीकृत करके भोपाल की जनता को ऐतिहासिक भारत माता का परिसर सौंपेंगे। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पॉलिटेक्निक चौराहे पर पोस्टर लगाए थे जिन्हें नगर निगम भोपाल द्वारा हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री के निवास से कुछ ही दूरी पर लगे थे जिसके चलते नगर निगम ने इन्हें हटा दिया। राजधानी में बेलगाम दौड़ते वाहनों की श्रृंखला में आज एक और वाहन बड़े हादसे का शिकार हो गया। दरअसल मामला भोपाल के शिवाजी नगर चौराहे का है जहां एक बेकाबू तेज रफ्तार महिंद्रा कार डिवाइडर से टकरा कर गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना स्थल का जायजा लिया 7i न्यूज के सब एडिटर विनोद तिवारी ने। ये शिवाजी नगर का वो चौराहा जहाँ अधिकतर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मैं उनमें वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाएगा। देखिए जो ये रोटरी बनी हुई शिवाजी नगर चौराहे की काफ़ी बड़ी रोटरी है और इस कारण से जो है जब न्यू मार्केट तरफ से कोई वाहन आता है तो बड़ी तेज़ी से आता है और बीच में जो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है तो अधिकतर क्या होता है जब रात्रि में रोड सुनसान रहता है तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं और जो स्पीड कवर ना होने के कारण इस तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी न्यू मार्केट से आ रही थी और आप देखेंगे किस तरह से जंप मारती हुई इसने ये रेलिंग तोड़े हैं। आप देखेंगे स्पष्ट नज़र आ रहा है गाड़ी की स्पीड कितनी थी। अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको गाड़ी की स्थिति दिखाना चाहूँ तो ये देखिए गाड़ी जो है कम से कम 4 से 5 फीट जो है छलांग लगाई इसने, उसके बाद ये टूटे हैं और जो इसकी रेलिंग है नाले की वो भी तोड़ दी गई है और गाड़ी जिस तरह से यहाँ जाके फंस गई है तो जब गाड़ी यहाँ कूदी है उसके बाद इसकी स्पीड में ब्रेक लग गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, थोड़ी मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये रोटरी छोटी कब होगी। जब तक ये रोटरी छोटी नहीं होगी और स्पीड ब्रेकर यहाँ चौड़ा जो है उस पर गाड़ी जंप होना खत्म नहीं होगा तब तक इसी दुर्घटनाएं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ 7i न्यूज विनोद तिवारी भोपाल। बीजेपी सांसद उदित राज ने 5 राज्यों में बीजेपी की हार को कहा है कि पार्टी की हार की बड़ी वजह आदिवासियों और दलितों में नाराजगी है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस बात को पार्टी को समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों के यहां जाकर खाना खाने, उनकी मूर्तियां लगाने से अब वोट बैंक तैयार नहीं होगा। अब दलित समझते हैं कि अगर उनके यहाँ नेता खाना खाने आते हैं तो वह नीच समझा जाता है, इसलिए नेता घर पर खाना खाने आते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी ने किसी के यहाँ खाना खाने नहीं गए थे, देखिए उनकी पार्टी जीत गई। राजस्थान में मौजूदा गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडल में दिग्गज विधायकों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें पायलट ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में इस सिलसिले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वरिष्ठ विधायकों को मौका दिया जाना चाहिए, संभव नहीं था, लिहाजा आने वाले दिनों में जल्द ही बाकी के वरिष्ठ विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। गौरतलब है कि सरकार के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर सीपी जोशी, हेमा राम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और परसाराम मोरदिया जैसे कई दिग्गज नेताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस पर उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं गुड़ा मालानी विधायक हेमा राम चौधरी को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने तो जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिलकर नाराजगी भी जताई है। समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफे देने की चेतावनी दी है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।